ठीक hey है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोग टाटा की कार्स क्यों नहीं खरीद पाते हैं तो जैसे टाटा की हैरियर हर किसी को पसंद है लेकिन वो लेते हिंडई क्रेटा हैं या फिर दूसरी कार्स हैं तो क्यों हैं ऐसा तो एक मेरी थाट जो है और उसके चक्कर से मैं भी क्रेटा ले ही लेता तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं एक डीलर के पास गया तीन या चार बार एंड और वो भी दो साल में तो बेसिकली मैं हर छः महीने जा रहा था मे बी और जब भी मैं जाता था तो उनके पास या तो कार की अवेलेबलिटी नहीं होती थी या फिर या फिर अगर उनके पास ऑटोमेटिक कार है और मुझे मैनुअल चाहिए तो वो बोलते थे कि भाई मैनुअल कार और ऑटोमेटिक में फ़र्क होता है तो आपको वो समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली कैसी फील होती है मैनुअल कार तो ऑटोमेटिक टेस्ट ड्राइव करके कोई फ़ायदा नहीं है तो बेसिकली जो सेल्स के लोग हैं वो बहुत रिलक्टेंट होते थे कि टेस्ट ड्राइव देने में एंड uh, अगर डीलर्स ही रिल्कटेंट होंगे टेस्ट ड्राइव्स अरेंज करने में तो फिर कोई बंदा कैसे ही लेगा कार क्योंकि एक मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनी थी एक अमेरिकन सेल्समैन था और उसके शोरूम के बाहर एक 18 उन्नीस साल का एक लड़का होगा जो वो कार देखता था डेली ऑन डेली बेसिस एक महीने तक वो देखता रहा तो सेल्स के बंदे ने उसको बुलाया और उसको एक टेस्ट ड्राइव ऑफ़र की और उसको लड़के को इतनी ज़्यादा पसंद आई कार कि इवेंचुअली आफ्टर फाइव टेन ईयर्स उसने वो कार उसी सेल्स से ख़रीदी सो so अगर सेल्स मैन पैशनेट है तो वो किसी को कुछ भी खरीदवा सकता है एंड सामने वाला बंदा कुछ भी करके वो ख़रीदेगा तो सेल्स के लोगों को पैशनेट होना पड़ेगा उनको अरेंज करना होगा जो भी कस्टमर को चाहिए होगा एंड उनको उतना कंफर्टेबल करवाना पड़ेगा अगर वो सेल्स चाहते हैं तो uh, तो एक हो गया जो सेल्स के लोग हैं बहुत लेजी होंगे जो मैंने फील किया क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एंड सेकेंडली अवेलेबिलिटी ऑफ डीलर्स इन डिफरेंट सिटीज़ इज़ वेरी लेस सो फॉर एग्ज़ाम्पल फरीदाबाद में सिर्फ एक ही डीलर है तो अगर आपको वो डीलर ही पसंद नहीं आ रहा तो समहाओ यू वोट बाई इट तो आपको फिर और किसी सिटीज़ में जाना पड़ेगा जैसे गुड़गांव हो गया नोएडा तो मैं डेली एन की बात कर रहा हूँ सेम गोज़ विद अदर स्टेट्स एंड सिटीज़ सो अगर लिमिटेड नंबर ऑफ शोरूम्स होंगे एंड स्टाफ पैशनेट नहीं होगा तो लोग परचेज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज ईज़ ऑफ परचेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ह्यून्डई और बाकी जितने भी डीलर्स हैं जितने भी ब्रांड्स हैं उनके डीलर्स की क्वांटिटी उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है uh, जैसे ह्यूंडई इज़ ए मेच्योर ब्रांड तो उसकी अवेलेबिलिटी टायर बी में भी दे विल बी मल्टीपल सच डीलर्स बट दैट इज़ नॉट द केस विद टाटा सो एक तो उनको डीलरशिप बढ़ानी पड़ेगी और दूसरे उनको स्टाफ को कर्टियस करवाना होगा जैसे ताज इज़ ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ टाटा एंड हॉस्पिटैलिटी के मामले में दे आर द एपिटोम ऑफ हॉस्पिटैलिटी सो लाइक वाइज टाटा कार्स और द शोरूम्स मस्ट हैव दैट कांड ऑफ सेंस की जो स्टाफ है दैट हेज़ टू भी कर्टियस हंडे के लोग बहुत ही ज़्यादा कर्टियस हैं मैं जब गया था सो इट वॉज़ लाइक बेटी ईजी टू टॉक टू दैम एंड देर वेरी एक्टिवली एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स अबाउट द कार ऑल द फीचर्स सो मैं तो वेन्यू लेने वाला था एंड उसके बाद क्योंकि वैन्यू आठ लाख की कार है एंड एक फैमिली कार अगर किसी को चाहिए रिसेंटली पावर फुल फैमिली कार तो वैन्यू उसके लिए नहीं है इट इज़ मोर ऑफ अ कैजुअल थोड़ी सी शॉर्ट ड्राइव्स करने के लिए अच्छा है एंड फीगो से ज़्यादा कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं लगी मुझे और क्रेटा में एक महीने की वेटिंग थी इसलिए मैंने वो नहीं ली वरना वो भी ले लेते ले बट देन क्रेटा की जो कॉस्ट है वो इट इज़ एट पार टू हैरियर मतलब डिसेंट साइज़ का अगर आप क्रेटा का मॉडल लोगे तो इट इज़ एट पार टू वट हैरियर कॉस्ट तो उस सेंस में हैरियर इज़ अ वेरी वैल्यू परचेज कार सो I think these are the main reasons Kygi Iskelava the car is dope. It's beautiful and it's super powerful. So yes, that is my tip to the Tata folks as well. The is. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed it. You can support this travel and exploration YouTube channel by subscribing to it and sharing it with your friends and family. Thanks so much for watching.